ये है ए टू जी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। अब खबरें विस्तार से। युवाओं में खेल की भावना को देखते हुए जयपुर में एक स्पोर्ट्स क्लब का उद्घाटन आईएएस नीरज के पवन ने किया। प्रताप नगर स्थित एलबीएस पब्लिक स्कूल कैंपस में शुरू हुए बी फिट क्लब में विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न खेलों की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कराई जाएगी। बी फिट स्पोर्ट्स क्लब का शुभारंभ क्रिकेट नेट पर रिबन काटकर और नारियल फोड़कर किया गया। राजस्थान रणजी टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद असलम ने आईएएस नीरज के पवन को बॉलिंग करके दर्शकों की तालियां बटोरी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने पढ़ाई के साथ साथ युवाओं को खेल में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। बी फिट के संयोजक अमित और आशीष ने बताया, इस क्लब में सभी उम्र के लोगों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम्स के साथ साथ आपको फिट रहने के लिए रिहैबिट, फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर की सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। स्कूल्स में पढ़ाई तो होती ही होती है, लेकिन चूंकि वो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक सेंटर होता है, इसीलिए स्पोर्ट्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसको कहीं पर भी दोयम या सेकेंडरी नहीं माना जा सकता। कुछ बच्चे तो पढ़ाई केवल औपचारिकता के लिए, बाकी स्पोर्ट्स में इतना अच्छा एक्सेल कर सकते हैं कि वो न केवल राज्य का बल्कि देश का नाम रोशन करें। इसीलिए हर स्कूल में स्पोर्ट्स की पर काफ़ी एम्फेसाइज दिया जाना चाहिए। जो भी बच्चे इस बी फिट स्कूल से जुड़ें, उनको न केवल फिजिकल फिटनेस के बारे में, विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स के बारे में, बल्कि आगे चल के उनके करियर में स्पोर्ट्स कैसे काम आ सकता है, उसके लिए भी मार्गदर्शन यहाँ मिल पाएगा। चूँकि यहाँ पर फिजियोथेरेपी का भी सेंटर है, तो अतः उनको अगर किसी प्रकार की स्पोर्ट्स इंजरी होती है, कोई उनको कुछ आगे बढ़ना है, तो ये फिजियोथेरेपी सेंटर भी उसमें काम आ पाएगा। पूरे बी फिट स्कूल की पूरी टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए लाइव न्यूज़।